वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास फोटो कैसे क्रिएट करेंगे और उसका पास फोटो का अगर आपको ड्रेस पसंद नहीं तो उसको आप ड्रेस चेंज कैसे कर सकते हैं उस फोटो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब के विषय में जानने कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाली। तो मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इसको बिना स्किप किए हुए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एडोबी को ओपन कर लेना है, एडोबी फोटोशॉप को। उसके बाद आपको एक फाइल में जाके आपको अपना फोटो जो आप पास फोटो क्रिएट करना है उस फोटो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है, यहाँ पे फाइल फोटोज को। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी फोटो है, तो इस पर मैं आज चेंजेस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे बिंदी को भी हटाने वाली हूँ और ये सिंदूर को भी हटाने वाली हूँ। तो आज मैं एक प्रोफेशनल ड्रेस यहाँ पे लगाने वाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एल को प्रेस करके आपको ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इमेज में जाके एडजस्ट में जाके यहाँ पे देखिए सेलेक्टिव कलर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग का फेस येलो से मैच होता है, इसीलिए येलो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने आपको अपने हिसाब से यहाँ को कलर को एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ओके कर देती हूँ, ये मेरा एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एडजस्ट में जाके इमेज में जाके एडजस्ट में जाके उसके बाद ऑटो लेवल को क्लिक करना है, थोड़ा सा और वहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ब्राइटनेस पर क्लिक कर देना है ऑटो में जाके। तो यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से ब्राइटनेस को भी इसको सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब ये मैं इसको जूम करके मुझे अब ये बिंदी हटानी है। तो इसको बिंदी को कैसे हटाएंगे, तो आपको यहाँ पे मुझे इसको बिंदी को हटाना है। तो इसको आप हटाने के लिए आपको कौन सा टूल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए साइड में इस वाली टूल को फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपने छोटा बड़ा कर लेना है। तो ये मेरा बैकग्राउंड फोटो लॉक है, तो इसको अनलॉक करना है। तो इसको डबल क्लिक करके इसको जेट्स पे ओके कर देना है, ये मेरा लॉक अब हट चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे ड्रैग यहाँ पे इसको बिंदी को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अल्ट को क्लिक करना है, अल्ट को क्लिक करके अपने यहाँ पे स्क्रीन पर क्लिक करना है, पहले कलर को सेलेक्ट कर लेना है अल्ट को और माउस को राइट क्लिक करके। उसके बाद वो बिंदी पर आपको फिर से ऑल्ट को हाथ छोड़ देना है। उसके बाद माउस उस बिंदी पर क्लिक कर देना है राइट क्लिक। यहाँ पे देखिए फिर से आपको ऑल्ट को क्लिक करके स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऑल्ट को हाथ हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे माउस से यहाँ पे जो सिंदूर है उसको भी इसको हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छी तरह से मेरा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो अब इसमें यहाँ पे देखिए कितने अच्छी तरह से फेस क्लीन हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूँ। अब इसमें मुझे ड्रेस ऐड करना है, तो इस ड्रेस ऐड करने के लिए आपको फाइल में जाना है, ओपन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इस ड्रेस को सेलेक्ट कर ली थी, तो इस ड्रेस को मुझे यहाँ पे फिट करना है। तो इसको अब मुझे PNG में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस ड्रेस को। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस वाली टूल पर क्लिक करके यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए मेरा PNG में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसको मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है अपने फोटो पर। तो इस मूव टूल्स पर क्लिक करके अपने फोटो पर इसको ड्रैग करना है। मूव टूल्स को राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है अपने फोटो पर। तो इसको एडजस्ट करना है। अब हमें एडजस्ट कैसे करना है, Ctrl+T पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको छोटा कर देना है, अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है Ctrl+T को क्लिक करके। उसके बाद माउस का हेल्प से इसको छोटा बड़ा कर देना है। तो ये देखिए मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, तो ये अब परफेक्ट हो चुका है, ये परफेक्ट एडजस्ट हो गया है। तो ये देखिए कैसा फोटो था अभी कैसा बन चुका है, बहुत ही अच्छा। तो इसको मैं यहाँ भी हटा देती हूँ, इसका काम खत्म हो गया है। तो ये देखिए
ये मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको ये झिझरा रहा है, तो इसको ये इसके लिए आपको यहाँ पे इस टूल को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इरेज कर देना है, इस वाले टूल को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इस पर जहाँ जहाँ वो ब्लर इस ये ब्लर करेगा आपका, जहाँ जहाँ एरिया वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है वो उसको ब्लर कर देगा और स्क्रीन को भी क्लियर करेगा ये टूल आपको। तो ये देखिए यहाँ पे मैं माउस के हेल्प से इसको सब फेस में कितने अच्छी तरह से क्लियर क्लीन हो रहा है, ब्लर हो रहा है। तो ये देखिए राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, उसके बाद ये देखिए मेरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको यहाँ पे देखिए बन चुका है बहुत ही इजी तरीके से। तो ये देखिए मेरा अभी पुराना वाला फोटो और अभी कैसा फोटो, आपको कौन सा फोटो अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। तो इतना ही प्रोसेस था गाइस, बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने पासफोटो एक देखी कैसा फोटो को मैंने कैसा बना दिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।